आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए गुरुवार को बीआरसी जनपद पंचायत कक्ष में बीएलओ बैठक का आयोजन रखा गया, जहां सभी बीएलओ को मतदाता सूची से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चरणबद्ध बीएलओ प्रशिक्षण नीमच जिले में भी जारी है, जहां गुरुवार को तहसीलदार गोपाल सोनी ने प्रथम चरण के 1 से 70 बीएलओ की बैठक लेकर बीआरसी जनपद पंचायत कक्ष में उन्हें प्रशिक्षण दिया, साथ ही पोलिंग बूथ के प्रति काम करने हेतु निर्देशित किया। तहसीलदार गोपाल सोनी ने कहा कि जो बीएलओ है उन्हें घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करना है, साथ ही जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं या अनुपस्थित हो गए हैं उनकी जांच कर मतदाता सूची का नवीनीकरण करना है। जनवरी 2018 से जो नवयुवक 18 वर्ष के आंकड़े को पार कर गए हैं उन युवकों को भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव 2018 को दृष्टिगत रखते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे बीएलओ हैं उन बीएलओ को घर घर जाके सत्यापन करना है, और जो मृत मतदाता हैं जो स्थानांतरित हो गए या अनुपस्थित हो गए हैं उनके संबंध में जांच करके उसमें विलोपन की कार्रवाई करनी है। इसके साथ जो 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष के हो चुके हैं मतदाता उनके नाम जोड़ने हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने बीएलओ की बैठक रखी थी, जिसमें हमने बूथ नंबर 1 से लेकर 70 तक अभी फर्स्ट फेज में और फिर उसके बाद 70-70 के फेज में हम 5 बैठकें कर रहे हैं। सभी बीएलओ को उसमें बुलवाया गया, उसमें हम निर्देश आयोग के स्पष्ट रूप से दे रहे हैं कि उनको किस प्रकार और क्या काम करना है।